हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। टुडे इज 15 फरवरी, आज 15 फरवरी है 2023। तो इस महीने का आधा महीना जा चुका है ऑलरेडी बोल सकते हो, एंड इस हफ्ते का भी आप मान लो आज ट्यूजडे है, सॉरी वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन ही बाकी है। आशा करता हूँ कल या परसों हमारा जो गुड न्यूज आने वाला ये मीटिंग हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम आज बताएंगे 2-3-4 इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में बताएंगे जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आखिरी तक देख लो, आपको समझ में आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट के ऊपर और भी बातें करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सारी चीज एक एक करके बताने वाला हूँ। मैं हूँ दीपायन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपायन मानना ओपी पर है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही हर रोज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके जिंदगी में ऑन पैसिव के क्षेत्र में काम आएगा, आपके थोड़ा भी मदद मिलेगा, ऐसे वीडियो के टॉपिक लेके मैं हमेशा आता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। पहला जो चीज है वो है, देखो अभी भी कल भी मुझे एक मैसेज आया था ईमेल को लेकर, जैसे मेरा ईमेल नहीं ओपन हो रहा है, अभी भी ऐसे ही दिखा रहा है। तो उन लोगों के लिए मेरा फिर से और एक बार मैसेज ये है कि प्लीज आप लोग एक बार थोड़ा देर वेट कर लीजिए, जस्ट 2-3 दिन के लिए ही हो सकता है, क्योंकि वो कनेक्ट को लेकर टीम बहुत ज्यादा बिजी है। आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा काम कर रहे हैं वो लोग, रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। तो प्लीज उनको थोड़ा काम करने दीजिए। ये वो कनेक्ट ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, तो इसको पहले हो जाने दो, काम को खत्म करने दो, ये वो कनेक्ट लॉन्च हो जाए एक बार। ये जस्ट कपल ऑफ वीक्स की देर है, शायद हो सकता है बहुत ज्यादा गुड न्यूज हमें कल या परसों, मतलब जिस भी मीटिंग होने वाला है इस वीक में, उसमें बहुत ज्यादा खुशी की खबर मिल जाए। तो हमें शायद डेट भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, हम बता नहीं सकते क्या मिल सकता है, क्योंकि वो एस तरह के मन में है। तो जो भी मिल जाएगा वो उसके बाद ही आप ये टिकट रेज कर लेना, या खुद को आपको कुछ करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को ये सब पता है, ठीक है। तो वो सब सही हो जाएगा। अभी दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है ईमेल को लेकर है, कि किसी लोगों का क्या हुआ, ईमेल चेंज करना चाहते हैं ना, गलती हो गया ये चेंज करना चाहते हैं अभी भी। तो देखो पहले बात तो आप गलती क्यों करते हो, इतना ज्यादा गलती करना सही नहीं है, तो टाइम जाता है, लेकिन हो गया, सबका नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का ही हुआ है। तो उनको लिए मैं बोलूंगा प्लीज अभी तो जो आईडी आपका है वो गलती नहीं है एक्चुअली, अगर सही ढंग से माने तो आपका ओमेल, शायद ओमेल आपका गलती हो गया। देखो नेम तो चेंज कर सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम डेट में रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, वो भी चेंज कर सकते हो, वो चेंज नहीं कर सकते टाइम डेट को छोड़ दो। तो आपका ओमेल, मान लो मेरा नाम है दीपायन मानना, अभी मैंने ओमेल लगाया दीपायन मानना @ omail.ai, लेकिन हमने क्या किया, दीपायन के जगह लास्ट के एंड में मैंने एम लगा दिया, तो ये की गलती है, नहीं कोई गलती नहीं है एक्चुअली, हम वही ईमेल डालेंगे ना, मेल तो आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, तो थोड़ा देर वेट कीजिए, फिर वही बोलूंगा टिकट विकेट ये सब रेस कर लीजिएगा, बाद में जब इसके बारे में हम बात करके बता देंगे कि हाँ अभी सब सही चल रहा है, अभी काम आप कर सकते हो, तो आप टिकट रेस कर लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा ईमेल, जो है ईमेल को लेकर एक बात है कि सर हम ईमेल को किसी और जगह यूज कर सकते हैं क्या, मतलब ये पूछ रहा है बहुत लोगों ने, बहुत दिन से पूछ रहा है, मैं वीडियो बनाने का सोचा नहीं बता देता हूँ, लेकिन जब ज्यादा लोग पूछते हैं तब इसको ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो लोग क्या पूछ रहे हैं कि हम ईमेल सर यूज कर सकते हैं, मतलब हम ईमेल क्या दूसरा जगह कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है जहां हम यूज करना चाहते हैं वहां यूज कर सकते हैं, तो हाँ जरूर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा देर वेट कर लीजिए, अभी अभी यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम वेट कर लीजिए, सब कुछ सही चलने दो, हमको तो तभी यूज कर लेना, और कुछ दिन रुक जाइए बस, ठीक है। और एक मसला चल रहा है कुछ दिन से, मतलब लगभग 2-3-4 दिन से देख रहा हूँ, एक बंदे ने पहले ग्रुप में मैंने जब देखा था कि 12 करोड़ ओ कनेक्ट यूजर, इसको लेकर बहुत वीडियो भी बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है भाई। देखो जब वो वीडियो इमेज आया था भाई, तुरंत ही बोला था कि प्लीज ये सब मत करो, 12 करोड़ यूजर नहीं है उसके बारे में, एक्चुअली 12 करोड़। जब ओ कनेक्ट लिख के आप सर्च करोगे तब एक रिजल्ट का नंबर आएगा, एक सेकेंड आएगा गूगल में, मतलब ये बोल रहा है कि ओ कनेक्ट कितने कितने वेबसाइट ये नाम मिले हैं,
साथ रिजल्ट पे, तो उसी ओ कनेक्ट का वो रिजल्ट का काउंटिंग नंबर है। हाँ, ओ कनेक्ट कितने वेबसाइट में या कितना बार आया है या कितना रिजल्ट ढूंढ के निकला गया, ये इसको लेकर ये नहीं कि 12 करोड़ यूजर मिल गए। तो ये सब छोटा मोटा चीज, इसको ध्यान मत दो, ये मैसेज ही मत फैलाओ, इसके ऊपर बात ही मत करो, ठीक है। ये सब गलत फहमी है, लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, कोई समझते नहीं है, छोटा मतलब जो भी मन में आए बना देते हैं। तो ये सब चीज को लेकर ध्यान मत दो, फाउंडर्स लोगों ने जो होगा सब होगा। 12 करोड़ से बहुत ज्यादा लोग आएंगे हमारे ओकन पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, पॉइंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अब चैनल पे नए हो जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही प्यार बना के रखो, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।